रेडी हम। हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, एएफजे के मोटर क्लासेस जयपुर से। आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, वो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सूचना सहायक का जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी डेट लगभग जून जुलाई तक जाने की संभावना है। तो एक चीज यहाँ पे ये है कि काफी कैंडिडेट, जब टाइप पेपर हुआ ही था तो कैंडिडेट ये बोला था कि हमें 4-4 घंटे टाइपिंग करनी है, 2-2 घंटे टाइपिंग करनी है, और क्या टाइपिंग कवर हो जाएगी कि नहीं होगी। बहुत से माइंड में क्वेश्चन थे कि भी इंग्लिश ज्यादा हिंदी की टाइपिंग मुश्किल है। अब लगभग सभी कैंडिडेट ने जहां जहां पे भी टाइपिंग सीखी वो सभी ने सीख ली, लेकिन एक बेसिक मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं वो मैं आप लोगों को आईए के एग्जाम्पल से ही लेके चलूंगा। फिलहाल जो आप लोगों का आईए का एग्जाम जनवरी में हुआ है, इससे पहले ये सितंबर में होने वाला था, इससे पहले ये जुलाई में होने वाला था। आप ये सोच के देखिए, जितने कैंडिडेट जुलाई वाले, अगर जुलाई में पेपर होता तो कितने कैंडिडेट जो फोकस थे इस एग्जाम को प्रॉपर लेके, क्या उतने ही कैंडिडेट अपनी स्टडी को कैरी करके सितंबर तक ले जा पाए थे? क्या उतने ही कैंडिडेट जनवरी तक ले जा पाए थे? क्योंकि कैंडिडेट बदलते रहे, टाइम के साथ में कैंडिडेट भी बदलते रहे। तो एक बात जरूर कहूंगा कि अभी जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग कर रहे हैं वो लोग अपने आप को थोड़ा सा वीक कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि वो टाइपिंग से अपना माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा हटा देंगे। तो ऐसा ना करें, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जहां पे आप पहले 2-2 ढाई ढाई घंटे दे रहे थे, वो एटलीस्ट कम से कम, मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अब इंग्लिश की हिंदी की टाइपिंग सभी जगह सीख चुके हैं, चाहे आप कहीं पे भी कर रहे हो, लेकिन आप 15 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग, 15 मिनट हिंदी की टाइपिंग जरूर दीजिएगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि टाइपिंग अगर हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए आज भी एक एग्जाम्पल की बात करता हूं कि आपने 15 दिन टाइपिंग नहीं की, तो होगा क्या कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो कम से कम 10 से 12 दिन आपको टाइपिंग की स्पीड को रिकवर करने में लग जाएगा, और हमें ऐसा लगेगा कि 15 दिन तो वो गए, 10 दिन ये गए। तो आप लोगों के जो 25 दिन है आप उसको कैलकुलेट करके ही मत चलना। क्यों? क्योंकि 15 दिन आपने छोड़ी, 10 दिन आपने उसको रिकवर करने में लगे, तो रिकवर होएगी ना कि स्पीड इंप्रूवमेंट होगी। और यहाँ पे कैंडिडेट ये सोचता है कि हमारी स्पीड बढ़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो स्पीड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो रिकवर होगी। तो बस इतना ही कहूंगा कि जो कैंडिडेट अभी फोकस्ड है वो सिर्फ 15 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग, 15 मिनट हिंदी की टाइपिंग, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है। अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो जो आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी अभी तक आई है वो वापिस डाउन हो जाएगी। तो कंटिन्यू रखिएगा, ये छोटा सा एक संदेश है। और ये बात सही है गलत है, जो आपके आपके सीनियर हैं जो इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं उनसे ये बात एक सजेशन लेके देखिएगा कितने हद तक ये बात सही है, कितने हद तक गलत है। तो प्लीज टाइपिंग को कंटिन्यू रखिए, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में रखिए, चाहे घर पे करते रहिए, कंटिन्यू रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।